बस मोदी जी बस बस 50 रोटी और बना दो बस, और एक भगोना भर के दाल और बना दो। अरे मई योगी जी हमने नहीं खाया, यही सिर्फ 2 रोटी है हमारे पास। एक रोटी को अखिलेश बना रहा है और एक रोटी को मैं ऊपर सेक रहा हूँ। 3 रोटी बची थी, एक राहुल को दे दी और ये दोनों हमारी दोनों की है। भाई कम से कम तुम 50 रोटी खा चुके हो, एक एक रोटी तो हमें खाने दो। लेकिन मोदी जी ये कोई बात हुई, तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आने का फायदा क्या? अरे मेरी 100 रोटी की खुराक है, जब तक 100 रोटी नहीं खा लेता हूँ तब तक पेट नहीं भरता है। दाल भी तुमने इतनी पतली बनाई है कि दाल से ज्यादा तो गाढ़ा पानी होगा, पानी से भी पतली है तुम्हारी दाल। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अभी आधा पेट खाया है। 50 रोटी और बनाओ। अरे भाई योगी जी 50 रोटी और कैसे बनाएं? रोटी बेलते बेलते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। एक रोटी राहुल खा रहा है, जिस रोटी को मैं बेल रहा हूँ ये तो मैं खाऊंगा, और जो तैयार हो रही है वो मोदी जी खा लेंगे। घर में सारा आटा भी खत्म हो गया। अरे भाई योगी जी तुम बन ठंड के आ गए हमारे घर पे। अरे हमने तुम्हें कहा थोड़ी था हमारे घर मेहमान बन के आओ, क्या करा जाए? जब मेहमान बन के तुम घर आ गए तो खिलाना पड़ रहा है हमें। अरे हम एक एक रोटी खा रहे हैं, एक एक रोटी तो खाने दो हमें। चलो राहुल अखिलेश चुप हो जाओ, मेहमान भगवान के समान होता है। चल आटा ही तो खत्म हो गया, राहुल जा केजरीवाल की दुकान से 3 किलो आटा उधार ले आ, जा जल्दी जा। मेहमान को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। अरे मोदी जी मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए, दाल पानी से भी पतली खिलाना चाहिए, ऐसे खाने से तुम्हारा क्या फायदा? अरे देखो योगी जी ऐसी बातें नहीं करते, हमने तुम्हारे खातिर घर का सारा आटा खत्म कर लिया और चूल्हे में लकड़ी भी खत्म हो गई, सारी लकड़ी जल गई। अब हमें क्या पता था तुम्हारी खुराक इतनी है, तुम इतना खाते हो। हम तो एक आध क्विंटल आटा मंगा के रख लेते और किसी रोटी बनाने वाले को ले आते, हमसे तो बनती नहीं इतनी रोटी। अब अखिलेश के हाथों में छाले पड़ गए बेचारे के, फिर भी हम तुम्हारे लिए केजरीवाल की दुकान से 3 किलो आटा मंगा रहे हैं, समझे? तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। और 1-2 दिन की बात है, घर जाओ आराम से, हम तीनों भी तुम्हारे घर मेहमान बन के आ रहे हैं, फिर इसी तरीके से खातिरदारी कराएंगे तुमसे। बहनों बीवियों को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश मेरा जितना भी खेत में गेहूं पैदा हुआ था मैंने मंडी में तुम्हारी आड़त पे लाके डाल दिया, तुम महंगे में महंगा बिकवा दो मेरे इस गेहूं को। इस बार गेहूं की फसल उगाने में बहुत खर्चा हो गया। अरे योगी जी तुमने मंडी में सही आड़त पे गेहूं डाला है, अखिलेश की आड़त मशहूर है सबसे महंगा अनाज बेचने में। अभी मैं तुम्हारी बोली लगवाता हूँ, बोलो कितने रुपए से बोली स्टार्ट करूँ? इधर आओ अखिलेश कान में बताता हूँ, बोली को कम से कम 1500 रुपए से स्टार्ट करो और ज्यादा में ज्यादा मेरा गेहूं 2000 तक बिक जाए, और 2000 से ऊपर बिक जाए तो दिन न्यारे। चलो भाई लोगों तैयार हो, गेहूं की बोली स्टार्ट होती है 1500 रुपए। 1500? अखिलेश गेहूं की बोली ज्यादा महंगी स्टार्ट करवा रहे हो तुम, गेहूं इतना अच्छा नहीं है योगी जी का। चलो 1515 रुपए। मोदी जी की तरफ से 1515 रुपए क्विंटल। 1515। और कोई आगे? 1600 रुपए। 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अरे अमित शाह जी आपने तो कमाल कर दिया, 1515 रुपए से सीधे 1600 रुपए। अमित शाह जी की तरफ से 1600 रुपए। 1600 रुपए। 1700 रुपए। 1700 रुपए प्रति क्विंटल। अखिलेश 1700 रुपए प्रति क्विंटल में मेरे नाम लिख दो ये गेहूं की ढेरी। 1700 रुपए। 1700 रुपए उपायसी जी की तरफ से। तू डाल डाल में पात पात वाला हिसाब चल रहा है। अमित शाह जी ने 1600 की बोली लगाई तो उपायसी जी ने पूरे 100 रुपए बढ़ा के 1700 रुपए की बोली लगा दी। 1700 रुपए एक, 1700 रुपए दो। रुको अखिलेश इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? 1900 रुपए। 1900 रुपए मेरी तरफ से प्रति क्विंटल गेहूं की बोली। लालू जी तुम्हारी बोली के ऊपर मेरी बोली पूरे 2000 रुपए प्रति क्विंटल। क्या बात है लालू जी की बोली के ऊपर केजरीवाल की बोली भारी पड़ गई। लालू जी ने 1900 के दाम लगाए तो केजरीवाल ने पूरे 2000 के। राहुल तुम आज चुप कैसे खड़ी हो, तुम क्यों नहीं लगा रहे बोली? अरे भाई मैं इस बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ, इस बोली के दाम तो ऐसे बढ़ रहे जैसे मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं। अरे राहुल तुम बोली से अपने हाथ पीछे खींच लो, लेकिन मैं तो बोली लगाऊंगा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। राहुल ने बोली से पीछे खींचे हाथ, राजनाथ सिंह जी की तरफ से बोली 2100 रुपए प्रति क्विंटल। और कोई आगे? 3000 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेता हूँ ये गेहूं की ढेरी। 3500 रुपए प्रति क्विंटल। 5000 रुपए प्रति क्विंटल। 6000 रुपए प्रति क्विंटल। 8000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग छिड़ चुकी है मोदी जी और अमित शाह जी के बीच, देखते हैं ऊंची में ऊंची बोली कौन लगाता है। फिलहाल मोदी जी की तरफ से 8000 रुपए प्रति क्विंटल। 10000 रुपए प्रति क्विंटल। 20000 रुपए। 25000 रुपए प्रति क्विंटल। 50000 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी जी की तरफ से सबसे बड़ी बोली 50000 रुपए प्रति क्विंटल। 50000 रुपए एक, 50000 रुपए दो, 50000 रुपए तीन। योगी जी मजा आ गया आपकी गेहूं 50000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी ने खरीद ली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
भाई मोदी जी मुझे यहीं पे उतार दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, उतार दो मुझे यहीं पे। अरे कहां से मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तुमने तो ये कहा था 3 सवारी बैठा लूंगा मोटरसाइकिल पे, कहां से मैं आधे किराए के चक्कर में फंस गया तुम्हारे साथ। अरे भाई उबैसी जी तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह सवारी ढोने का काम मोटरसाइकिल से करते और आधा किराया लेते। जो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो से अगर 100 रुपए का किराया लगेगा तो मोदी जी मुश्किल से 40 रुपए में तुम्हें उस जगह पहुंचा देते। लेकिन भाई सवारी इतनी बैठालते हैं ये, अपनी मोटरसाइकिल पे कम से कम 6-7 सवारी बैठालते हैं ये। लेकिन भाई अखिलेश ये झूठ क्यों बोल के बैठालते हैं सवारियों को अपनी गाड़ी पे? अरे मुझे भी कुतुब मीनार देखने के लिए जाना था, ऑटो वाला मुझसे 150 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला 50 रुपए में छोड़ देता हूँ तुम्हें। भाई इस तरीके से 50 रुपए में कुतुब मीनार देखने का क्या फायदा, इससे तो मैं ऑटो से ही 150 रुपए खर्च करके चला जाता। मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल की तेल की टंकी पर बैठा रखा है। अरे केजरीवाल कैसी घटिया बात कर रहे हो, ये बताओ मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया है? तुम कुतुब मीनार 150 रुपए में ऑटो से जाते, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में ले जा रहा हूँ, 100 रुपए का फायदा कराया कि नहीं कराया? भाई जिसके पास ऑटो है वो ऑटो से सवारी ढोता है, मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल है छोटी मोटी, उसी से सवारी ढो के गुजारा कर लेता हूँ। अरे अगर 1-2 सवारी बैठा लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, गुजारा हो जाएगा मेरा, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा और चालान होने का डर अलग रहता है। अरे योगी जी इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये चालान काट देंगे। अरे भाई लोगों अगर ये पूछे कौन हो तुम लोग, ये कहना हम एक ही घर के सब लोग हैं। रोको भाई रोको रोको रोको, अरे तुम तो वो ही हो जो परसों मुझे मिले थे और अपनी मोटरसाइकिल पे आज ही की तरह 8-10 सवारी बैठा ले हुए थे, लेकिन उस दिन तो तुम ये कह के बच गए थे कि हम सब लोग एक ही घर के भाई हैं और शादी में खाना खाने के लिए इकट्ठा होके जा रहे हैं, आज तो ये बहाना नहीं बताओगे? अरे योगी सर जी मोदी जी ने यही तो बोलने को बोला है आपसे कि ये कह देना कि हम सब लोग एक ही घर के आदमी हैं। भाई साहब हम एक घर के आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाते हैं हमसे किराया लेकर। अरे भाई साहब कौन सी बनूस घड़ी में मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लिया, तुमने तो पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया इंस्पेक्टर जी के सामने, अब चालान नहीं बचेगा, चालान कटेगा ही कटेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे मोदी जी और राहुल जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? टोकरी में मिठाई रखकर गांव-गांव जाकर बेचने का तरीका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आजकल गांव में दुकान पर तो कोई मिठाई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अरे योगी जी बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारा ये टोकरी में मिठाई रखकर बेचने का। अरे मैंने लालच में आज अपने टोकरी में ज्यादा लड्डू भर लिए, वजन की वजह से मेरी गर्दन बैठी जा रही है। योगी जी गांव-गांव जाकर मिठाई तो भले ही बिक जाती है लेकिन सर पर टोकरी रखने से थकान भी तो बहुत हो जाती है दिन भर में। वैसे अपनी दुकानों पे मिठाई खरीदने के लिए लोग आने क्यों नहीं लगे, क्या बात है? अरे मोदी जी आएंगे कैसे खरीदने के लिए लोग मिठाई, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अपना लोग देसी घी की मिठाई बताकर वनस्पति घी की मिठाई बेचते हैं। कोई ग्राहक एक बार ले जाएगा, दो बार ले जाएगा, तीसरी बार थोड़ी ले जाएगा जब उसे पता चल जाएगा कि ये देसी घी की मिठाई नहीं है। सही कह रहे हो राहुल, अपनों ने क्वालिटी में गड़बड़ की, इसीलिए लोगों ने गांव में अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया, मेरे लड्डू खरीदना बंद कर दिए, तुम्हारी जलेबी। ये योगी जी तो अपनी बर्फी प्योर दूध की बताते हैं और मैदा की बर्फी बनाते हैं ये। ज्यादा बातें मत बताओ मोदी जी, आप भी तो अपने मोती चूर के लड्डू प्योर देसी घी में बताते हो लेकिन बनाते हो वनस्पति घी में। चलो योगी जी चुप हो जाओ, कोई अपनी मिठाई खरीदने के लिए आ रहा है लगता है। अरे ये तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई बात नहीं आज शुरुआत इन्हीं से करते हैं। रुको भाई रुको रुको रुको, यहीं पर रुक जाओ। बोलो सर जी क्या लेना है? लड्डू ले लो, बहुत बढ़िया लड्डू है, प्योर देसी घी के लड्डू। अरे सर जी लड्डू तो इन्होंने कल बनाए थे, मैं जलेबी तो बिल्कुल अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ, देसी घी में ले लो। अरे तुम दोनों तो दोनों लोग मिठाई अच्छी बता रहे हो, किसकी खरीदूं? अरे इन दोनों की बात में बताओ सर जी, मेरी बर्फी ले लो, ताजी खोए की प्योर दूध की बर्फी है, ये दोनों तो बासी माल बेच रहे हैं कल का। चलो ऐसा करो तुम तीनों लोग अपनी अपनी मिठाई को अच्छा बता रहे हो, तीनों लोग 100-100 ग्राम लड्डू बर्फी जलेबी दे दो, पहले मैं घर जाके चेक करूंगा किसकी मिठाई ताजी है, बाद को कल के आके उसी की मिठाई खरीदूंगा, और जिसकी बासी हुई उसको पैसे नहीं दूंगा, जिसकी ताजी मिठाई हुई उसको पैसे दूंगा मैं। अरे राहुल योगी जी इन सामने तो उल्टा फंस दिया, तीनों की मिठाई बासी है। चलो दे दो 100-100 ग्राम मिठाई और देकर भूल जाओ के पैसे मिलेंगे भी। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।